हेमंत ज्वेलर्स अब आपके ग्राम ठाणा में सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। हमारा पता है चमन चौराहा ठाणा जिला सागर मध्य प्रदेश। कोरोना के चलते लॉकडाउन में बुंदेलखंड में भुखमरी के आलम पैदा हो गए। इस वजह से चोरी और ठगी की घटनाएं बढ़ गई हैं। आलम यह है कि अब पुरुषों के बाद महिलाओं ने चोरी और ठगी के लिए बेहद खतरनाक कदम आगे बढ़ाया है। ताजा मामला बुंदेलखंड के सागर शहर से जुड़ा है, जहां 3-4 महिलाओं ने एक सोने चांदी के ज्वेलर्स पर ठगी कर सोने की 3 झूड़ियों को ठग कर रफू चक्कर हो गई। यह घटना बैसाखिया ज्वेलर्स पर हुई, जो CCTV कैमरे में कैद हो गई। यह संख्या में 4 महिलाएं थीं, जो कोतवाली थाना के इर्द गिर्द ज्वेलर्स पर नज़र बनाई थीं। यह दिवाकर ज्वेलर्स फैंसी ज्वेलर्स पर भी गईं, लेकिन बात नहीं बनी और फिर कोतवाली थाना के बाजू स्थित बैसाखिया ज्वेलर्स पर गईं, जहाँ सोने चांदी के जेवरात देखते देखते इन्होंने सोने की 3-4 चूड़ियाँ पार कर लीं, जिनकी कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। तो उसमें 4 चूड़ियाँ दिख रही हैं वीडियो में। अभी वो बता रहे हैं कि हमारी कुछ और सामान गया है, परंतु जो वीडियो उनके द्वारा दिया गया उसमें मात्र 4 चूड़ी दिख रही हैं। तो स्पष्ट दिख रही हैं कि 3 महिलाएं, उनमें से एक महिला ने दूसरी महिला को दिया है। तो अभी इसी की सूचना मैं, हमारी सारी पुलिस लगातार शहर में राउंड ले रही है। हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण के द्वारा पूरे ज़िले में मैसेज दे दिया गया, समस्त ज़िले के अंदर नाकाबंदी लगा दी गई है और सभी वाहनों की चेकिंग और एवं रेलवे स्टेशन बस स्टेशन की भी चेकिंग जारी है सर। लेकिन इनकी यह हरकत CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मोर्चे पर डट गई। खुद ASP विक्रम सिंह ने कमान संभाली है। चारों तरफ नाकेबंदी जैसे हालात बनाए गए, वाहनों की तलाशी ली जा रही है। लेकिन हम फिर कहेंगे कि कोरोना काल में जब अमीरों की बाट लग गई तो गरीबों का क्या होगा। आज बुंदेलखंड में भुखमरी के हालात हैं, ऐसे में अब महिलाएं ठगी और चोरी करने के लिए घरों से बाहर निकली। आदर्श दुबे के साथ वसीम कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।